परेशान दी ग्रेट तोर ते फेवरेट काम बा लेकिन के शॉपिंग करावल तो ही पसंद कर ला जदवे के बा उर्मी के हमरा ओर से थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट हमार जान पर लेवे के काबा गोल्ड या फिर डायमंड गोल्ड ना डायमंड देखा यार चमचमाए धोखे के चाहिए का बात बा बिल्कुल सही जाता रहा हेलो वेलकम सर बताएं हम आपके का सेवा कर सके ली कुछ डायमंड में दिखाई है कुछ अच्छा चीज आई भैया वो बढ़िया से डायमंड रिंग दिखाई एगो ऐसन चीज जो हमार दोस्त के होखे वाला बीवी के एक झलक में पसंद आ जाए बस ही समझ ली के गाना में जान होखे के चाहिए समझ ला ना रिंग छोड़ा बे इतना छोट चीज हम ना दे है? पता ना रिंग नजर भी आए या उंगली में कि ना हमार भाई रिंग छोट जरूर होखेला लेकिन ये जौना फिंगर में पहनल जाला ना ओकर नव सीधा दिल में पहुंचेला यानी उर्मी के दिल से तहार डायरेक्ट कनेक्शन समझ लेना जैसे अगर तू वायरमैन होता ना तो लोगन के घर के बिजली कबो खराब ना होती सारा कनेक्शन एकदम दुरुस्त रखता तू दिल से कनेक्शन अरे हमारे बिजली विभाग के कर्मचारी कुछ बड़ा देखा है छोटा मोटा ना समझ ला बड़ा देखा है भाई कुछ बड़ा देखा है हाँ देखा हुआ हो बड़ा वाला ए ठीक बा ये बा हमरा कुछ देवे लायक ये देखें एक दिल से जोड़े खातिर नब्ज की जरूरत ना पड़ी ये सदा दिल के पास रही यहां ऊपर क्लोज टू हार्ट एक एक धड़कन सुनी दिल के का बात बा यार का बात बा बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाता रहा संगत के असर पड़त बा भैया अब तो हार ही लिहल जाई जी सर ये ले एकरा के पैक कर दिया बिल बना दो भैया एकर ओके सर और हां ये हार तू काहे लेला एकर वजह उर्मी के जरूर बता दिया दुगना करीब आ जाई उतरा हां चुंबक के पावर और बढ़ जाई हां बिल्कुल सही पकड़ ला तू अचानक कैसे कैसे कर सकेले गलत भाई इतना बड़ा डिमांड का दिखावे चाहे ले हमके तो समझ में ना आ रहा कौनो चीज के कौनो कमी ना बा उनके पास सब कुछ बा उनके पता बा कि हमनी साधारण लोग बानी फिर इतना बड़ा डिमांड काहे कह लीजिए हम जे हम कबो पूरा ही ना कर सकेले कम से कम सम्राट जी के तो समझे के चाहत रहे पता ना दीदी सम्राट जी जो के ई बात पता होखी भी या ना पता कैसे ना होखी अनु उनकर माँ के खुद ही थोड़े ना फैसला ले 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 होखी सब मिलजुल के तय कह ले होखी लेकिन अगर ऐसी बात बाब तो हमके ई ना समझ में आ रहा बा कि सम्राट ऐसे कैसे कर सकेला यह वजह हुई यही खातिर तो सम्राट शादी ना करे चाहत रहे अरे बड़ लोग के ना दिखावा की दुनिया होखेला पर लालच में कौनो कमी ना अरे खुद के सीधा सीधा कहे में दिक्कत होत रहे यही खातिर माँ के भिजवा के कहला दिलस पता बना लड़की वाला बाड़े शादी टूटे के वजह से कुछ भी करिए ये खातिर जोन मर्जी आवे वो खरा अगर ऐसा नहीं रहे तो हमके पहले ही बता देते हम आराम से इंतजाम कर लेत एक दो लोगन के बात हो तो चलत 100 लोगन के सोने के चेन देहल बताशा बाटे जैसन तबाना लाखों के खर्चा बा शादी में जितना खर्च ना होगी ओकरा से ज्यादा तो एकरा में दम निकल जाए नौकरी पेशा वाला लोग बानी हमनी के उनकर जैसन बड़ बिजनेस थोड़े ना बा हमनी के जोर बटोर के हमनी के शादी के इंतजाम करनी बेटी के जन्म से अब अचानक से ही लोग ऐसन डिमांड कर दिया तो हमनी खाती तो मुसीबत हो जाए ना ई देखा रश्मि तहार फूफा जी के असलियत ऐसन बाड़े तहार रिश्तेदार लालची और झूठा शान के दीवाना अरे सब कुछ भरल पड़ल बा इन लोग के पास फिर भी कमी पड़त बा अरे पूरा शहर भी लोग के नाम कर दिया जाए ना तबो भी कम पड़ी अरे तब अपन खातिर थोड़े ना मांग रहल बाड़े बाराती खातिर तो मांग रहल बाड़े और हमार बुआ कितना अच्छा बाड़ी हमनी की अच्छा खातिर तो घरल बाड़ी कल के कौनो बाहर वाला आके मुंह उठा के कुछ भी उल्टा सीधा कह देला तो हम थोड़े ना बाहर वाला के मुंह बंद कर सके नी बारे रश्मि
तू तो हर बात की जवाब अपनी नथुनिया पे रख के चले ली, कमाल के वकालत करे ली। गौरव हिसाब लगावा पहले तू, फिर हम अपन सुनार से बात करता नहीं, देखा था नहीं कितना दिन के क्रेडिट दे सके लो हमने के। पापा सब कुछ मिला के 7 लाख के करीब होगा। बस हे भगवान, तू चिंता काहे कर रहल बाड़ू दीदी, भैया और पापा सब ठीक कर दिए। का ठीक कर ली है अनु? का हम अपना घर के हालत न जानत बानी? पैसा कोनो पेड़ में हो गेला, जे पापा तोड़ी और दे दी है, भैया ऑलरेडी लोन ले ले बानी, पापा सारा सेविंग खर्च कर दे ले बानी, अक्का घर बेच के हमार शादी करिए। समधन जी, सम्राट जी, नमस्ते। समधन जी, हम सब अभी उर्मी के ही डाटत रहनी, बच्ची बाना हूँ, ये तो समझे थी ना कि बेटा, उर्मी के बात के बुरा मत माना, वो जौन कुछ कहलस ना समझी में कहलस, बेटा अभी होकर उम्र ही काबा, दुनियादारी के भी समझ नहीं की होकर हमें, ओकरा बात पर ध्यान मत दा बेटा। अरे ये तो पगली बात, आप तो समझदार बड़े, सब समझे ले, ओकरे बात के दिल से मत लगाई बेटा। हाँ सम्राट, असल में बात ये बा कि कल हम उर्मी के बहुत कुछ सुना देले रहनी, एक आदर गुस्सा में क्यों फोन कर देलस, वैसे गलती हमार भी बा, हमनी की उर्मी के इतना कुछ ना कहे के चाहत रहल, ना तो हमार उर्मी के मन में कबो ऐसन वैसन बात ना बेला। बुआ जी आप जौन कहले रहनी आप ओकर चिंता बिल्कुल मत करी, हमने इंतजाम करा था नी, सब कुछ ठीक हो जाई, आप जैसन कहा था नी ना वैसन ही सब कुछ हुई। हम आपके निराश ना होके देव। हाँ हम 100 ना 150 चेन के इंतजाम करत बानी, ताकि एन मौका पे की हूँ रही ना जाई, ठीक बाना? ठीक बाना? कहीं अब जॉन कुछ कहे एलबाड़ू। चलिए माँ कहीं केकर इंतजार कर रहा था नहीं आप, बेझिझक होके साफ साफ कहीं। बेटा चलिए बोली, अब सिर्फ आप बोला और सब सुनी, शुरू हो जाए। बहुत एक गलत मांग रख देनी हम आप लोगन के सामने, हमरा की ई मांग ना रखे के चाहत रहे, गलती हो गई हम के माफ कर दें। कैसन बात करत बाड़ू आप? समधन जी ये का कहत आनी आप, हमनी के शर्मिंदा मत करी। हम सही कहत बानी समधी जी, हमार बेवकूफी की वजह से आप लोगन के इतना कष्ट उठावे के पड़ल, बाहर वालन के कहे की वजह से हम ये सब कह देनी, वरना हम के ये सब चीज ना चाहिए। देखी समधन जी, हम जे कुछ भी कहनी जे कुछ भी मांगनी ना वो सब भूल जाई और हमके माफ कर दें, का करत पाड़ू आप? समधन जी हमने के शर्मिंदा मत करी। अंकल अभी आप कुछ मत बोली,
एक बार इनकर बुलेटिन समाप्त हो जाए ना, ओकरा बाद सब समझ में आ जाए कि वाकई में शर्मिंदा किए बा। शर्मिंदा तो हम बानी समझी छी, बहुत बड़ी गलती भइल बा हमरा से, और हमरा गलती के एहसास सम्राटी हमके करायलस कि हम बहुत गलत करल बानी। आप लोगन के सामने आए कि माफी मांगी ताकि कोनो कड़वाहट ना रहे नया रिश्ता में। एक बात कही समधन जी, अब जितना अपन कईले पे हमके पछता होकत बा ना, उतना ही हमके अपन सम्राट पे ना झोकत बा। अरे दूसरा की भावना की कितना समझ बा एकरा के, केहू की तकलीफ में ना देख सकेले ही। सही कहत बानी ना बेटा। संधि जी एक बात बोले के रहल। हाँ कही ना। सोने की चेन देनी, लेकिन बेला के फूलों की माला जरूर बारातियों की पहनवाई दे। हाँ। इतना तो मांग सके नहीं अपन समधी जी से। जी का कहता नहीं आप, ये आपके अधिकार बा। अरे लड़की वहाँ कहाँ खड़ी बाड़ू, यहाँ वो अपन होके वाली सास के पाँव ना छूबू। सास के रूप में दूसर माँ मिल गए तो हरा के, हीरा जैसन पति और इतना अच्छा दिल वालन के परिवार, दुनिया के सबसे किस्मत वाली लड़की बाड़ू तू, तो हर नसीब खुल गए बेटा। आई जाए भूला जाए ना जे कुछ भी भइल, बच्ची बिया नादारी में भइल जे कुछ भी भइल, और कोनो बात नहीं के माफ कर दी हमनी के। और एका कर अलबानी अब एकर कौन जरूरत ना बा। हा? आप अपन मन से मैल निकाल दें, वरना हम सबके मन में काफी बोझ रहे। त्रिशा इला नींबू पानी। कम ऑन होल्ड इट, स्पेशली मेड फॉर यू, पिया एक रखे। शादी के भागदौड़ में तनी हालत खराब हुई लेकर। हाँ ईशान बेटा, हम भी ये पूछत रहनी, सच में बहुत हालत खराब बा इनकर। अच्छा कहला जी तू नींबू पानी ले, जरा पीना तक गर्मी कम हो जाए। हमार मतलब बाकी आराम मिली इनके। आंटी आप खड़ी काहे बानी, बैठी ना प्लीज बैठी। ना ना बेटा, बहुत सारा मेहमान बड़े हम देखता नहीं, हम तो बस त्रिशा बिटिया की हालचाल पूछे चला रानी। आप लोग खाना वाना खा के जाइए। हाँ ईशान बेटा, तू यही जे बाड़ा ना, सब कर ध्यान रखिए, सब लोग अच्छा से खाना वाना खा के जाइए। डोंट वरी आंटी। चला हमने चलल जाए, कुछ खास मेहमान आए बड़े उनकी दिखता नहीं हम। हाँ खाना जरूर खा के जाइए। हाँ चलो भाभी। मौसा जी आप हरा भरा कबाब खेले बनी है ना? नाता अरे आप मेन डिश तो खेनी ना, आप 2 मिनट रुकी, हम 1 मिनट में लेके आओ। अरे ईशान बेटा, घबराहट के मारे केहू के गला के नीचे कुछ जा ही ना रहल बा। काबिल भाई सब लोग ऐसे डरायल कहे बड़ा? सम्राट बेटा तर गुस्सा से डर लागिला। सम्राट जी
आप बुरा तो ना माननी ना त्रिशा के नादानी। अरे नाना अंकल ऐसा कोनो बात नहीं के साली के बात के बुरा के मानेला। और वैसे भी जानबूझ के थोड़े ना केली त्रिशा ऐसा हाँ ना त्रिशा। और तो और तबीयत ठीक बना आराम आराम की जरूरत बहन के टेक रेस्ट। ये बोल के आप मन के बोझ हल्का कर देनी। इता आपके बड़प्पन बादामा जी वन हम सबके बहुत ही बुरा लागल जैसे सब कुछ भइला। माँ आप चिंता मत करी हम सब समझिला। बहुत बड़ मन से बोझ उतार देला आप बेटा। सुन ली आप सब लोग ना अब तो सब लोग रिलैक्स हो जाए यार। हमार दोस्त बहुत समझदार बा। धन्य बानी हम लोग जे हमनी के तहरे जैसन दामाद मिल रहल बा। चलिए आप सब लोग एंजॉय करें हम तनी बाकी के मेहमान से मिल के आ बताने। अबे मौसा जी आपके कबाब भिजवाओ तनी और अकेल मत खैया शेयर करके खैया। हाँ देखनी आप लोग हम कहले रानी ना आप लोगन से कि आप बेवजह परेशान मत होगी सब ठीक बा। का भेल सब ठीक बा ना सम्राट जी के मूड अब कैसन बा। अंकल उनकर मूड ठीक बा अब आप परेशान मत होगी। अरे उर्मी बैठा खा ना कुछ। अब भाभी हम हाथ धो के आ बतानी। दीदी जी दीदी वॉश बेसिन कहाँ बा। ओ आगे जाके राइट जी। परेशान बाड़ू ना ये सोच के कि उर्मी काल चल जाए। पता ही ना चलल हमके इतना जल्दी बड़ी हो गई हमारी बिटिया कि ओकरे विदाई के घड़ी आ गई। हमार जी मन बाना माने की तैयार ही ना अभी काल ही की तबात बा कैसे लड़त रहे हमसे। मम्मी ई बार दशहरा में नया कपड़ा ना दिलाएलू तू और वो अनुष्का से ऐसे लड़े ले परेशान हो जाए ले हम तो समझा समझा के फिर गुस्सा के बोले ली हम भगवान करे तो हर हाथ पीला हो जाए जा अपने घर। हमके का पता है इतनी जल्दी सच मुझे हम सब के छोड़ के अपने घर चल जाए। बच्चों की बचपन इतना जल्दी काहे बीत जाला जी। अब देखो ब्याह करके अपने बाकी तोरा के तो खुश होके के चाहे कि हमने की उर्मी के किस्मत बहुत अच्छा बा कहे कि ओकर शादी इतना बड़ा और इतना अच्छा घर में और यही शहर में हो रहा ना तो लोगन के तब अपन बेटी के ब्याह कहके विदेश तक भेजे के हो खेला और सालों साल बीत जाला अपन बेटी के चेहरा देख। लेकिन हम तो अपन बिटिया से जब मन हुई तब मिल सके नहीं जब मन कैला सुकरा के घर बुला लेनी
और जब मन के लिए सुकरा घरे चल गई नी, है ना? हाँ, पर एक अजीब से डर बा हमरा मन में। अरे सम्राट के लिए ना जी, उकरा खातिर ता हमरे मन में कौनो शंका ना बा। तसल्ली बा, वो हमार उर्मी के बहुत ध्यान रखी है, बहुत ख्याल रखी होकर। लेकिन उनकर माँ के लेके हमारे मन में एक शंका बा। पता ना कैसे व्यवहार करी है हमार उर्मी के साथ। इतना सब कुछ ही हो गई बा, उस सोच के हमार मन में एक डर सा बा। पता ना उर्मी के साथ तो ठीक रही है भी कि ना। इतना सोच के तू बेकार में परेशान हो रहा बड़ू सरोज। ये सब बात अपन दिमाग से निकाल दा। और देखा, हर शादी में इतना तो होखेला है। माँ बाप मौसा मौसी चाचा मामी, ये सब ना शादी में थोड़ा बहुत आपनवादी करे ले नहीं। अब कहीं कुछ ज्यादा बवाल हो जाला और कहीं समझदार लोग ऐसन बात के नजरअंदाज करके अनदेखा करके आगे बढ़ जाले। तू ही सोचा सम्राट कितना समझदार बा, अपने माँ के भी एक ना चले देलस, है ना? वहां भी उहे कंट्रोल में रखी। और तू देखिया हमार उर्मी के साथ सब कुछ अच्छा होखी। सम्राट के रहते उर्मी के कबो कोनो चीज के नाता कमी होखी और नहीं दिक्कत होखी, देख लिया। भगवान करे ऐसा नहीं होखे। अच्छा से नहलावा हमार बेटा के, आज इनकर शादी होखे वाली बा। झांसी के सबसे अच्छा दूल्हा दिखे के चाही। जी हाँ का भाई, आज बकरा हलाल होखे वाला बा। कौनो कसर मत छोड़िया आंटी लोग, अच्छे से नहलाइया करा के। तोरा कहता हम देख ले। आज तो हमार देवर जी राजकुमार दिखे के चाही। वैसे का भिखारी लागी लगा। अरे ना देवर जी, आप कैसन बात कर रहे बड़े? पूरा झांसी में बाके हूँ आप जैसन हीरो, और वो हीरो अपन शादी में राजकुमार ही दिखी ना। सही कह रहे बाड़ू। दिवाकर भैया कैसे चढ़ावे दो ना झाड़ पर। बोल बोल के। अरे ना ना, इनके पे इतना मेहनत करे के जरूरत ना पड़त, वो वैसे ही पेड़ पे चढ़ल रहे ले। देखा ना कितना सुंदर लग रहा बा। सच में नजर ना लगे दुल्हन के। अरे हटा हटा, देखा एकरा के लगवला के बाद कैसे निखरेला हमार सम्राट बेटा के चेहरा। अरे मामी आप भी। अरे अरे आप काहे काहे? देवर जी कहाँ भाई, शर्मा रहल बा। अरे शर्माई काहे, जब ही पैदा भइल रहे ना तो ई धोती भी ना पहनत रहे। तब भी हम ही नहीं ले ले रहनी एकरा के। अब बड़ा हो गेल तो का बेटा तो हमार ही बाना। चला मुकुंद तनी राइट करा थोड़ा से। हाँ हाँ बस बस, परफेक्ट परफेक्ट। कैसा लगत बा? कावरल बा, कावरल बा हमरा कपड़ा में केकरा से पूछ के लगवला, निकाल जा करा के। ओ भाई आराम से हाँ, टेक इट इजी। तू दोनों के फोटो बा यार, स्पेशल कपल के फोटो। और तोरा पता नहीं के तोहार वुड बी वाइफ के आवे के तैयारी करा था नहीं हमने। भाई वाइफ आ रहल बिया, पिक्चर ना आ रहल बा कि पोस्टर लगा दे ले यहाँ रोजाना चार शो वाला। हटावे करा के, टाइम लगा था का तोरा के? हाँ जैसा रहे वैसे चाहिए हमार कमरा। ओ भाई सबसे पहले आपन वर्ड से ना हमार हटा के हमनी के लगा दा, और तू बुलाता रहा। अभी रूम सिर्फ तोहार ना रह गेल बा, उर्मी के भी बा। रिलैक्स ईशान, वही हमार बीवी बन के आई और हमरा तरीके से ही रही। जैसा रहे सब कुछ यहाँ वैसे ही रही, कुछ बदली ना यहाँ पर। और ऐसा कबो ना होगी कि हमारा कमरा ओकर हो जाए। चला भाई निकला, हमके कुछ ना चाहिए अपना कमरा में। और का कहला भाई कमरा में चेंजेस? तू ना यार आउट ऑफ रीच हो गेल बड़ा, बिल्कुल बोरिंग, बहुत बड़ा वाला हो गेल बड़ा यार। कि छोटा वाला, हम बोरिंग ही ठीक बानी। ठीक तो नहीं खे यार, लेकिन अब कैली कहा चला। वैसे तो हर हिस्सा के आधा काम तो हम कर ही चुकल बानी। सोचनी की गृहस्थी सेट करे में भी तो हर हेल्प कर दी, लेकिन भाई गलती हो गई हमरा से, माफ कर दो।
लेकिन अब तो हर खुदरा काम भी ना करे वाला बनी। कैसन खुदरा काम? तरह तरफ से उकरा एसएमएस भेजल। तू खाली हाथ हिलावे तो उकरा पास पहुंच जा और हम भाग भाग के आई तोरा फ्लावर्स देवे खातिर। वैसे आज तोरा तरफ से गिफ्ट भेजवा देनी हम, सेम फोटो फ्रेम। बेचारी के कुछ तो गुड फील हुई, लेकिन तू कहां एहसान बनबा। एकरा में एहसान माने वाला कौन बात बा ईशान, वो तोरा से और अच्छा केला भेज देला, खुश हो गए लोखी हो। लेकिन बस अपन ये खुदरा काम और मत फैलावा, वरना बेकार में हमसे उम्मीद रखी जिकरा पे हम खरा ना उतर पाए। इसे जितना हो गया उतना काफी बा। ऑलराइट, चाय पी के आजा। तहरा सम्राट जी पसंद ना बड़ेगा? ना काहे, बस ना पसंद। जरा देखी तब कहां से एकर तबीयत खराब लागत बा। ना बा हमार तबीयत खराब तो जब तो हर तबीयत खराब रहल ही ना, तो फिर काहे काहे हमार भाई के चांद बुझ के बेइज्जती के लिए रहलू। तो हमके वो सब पसंद ना बा। बस का तू सम्राट जी से कहले बड़ू की तू ना चाहेलो कि हमारा और उनका शादी होगी? हाँ कहले रानी, सब कुछ छोड़ के एगो पत्नी के अपन पति के सबसे पहले सुने की चाहिए, बाकी कुछ ना। जो ना इंसान के शादी से खुशी नहीं के तो शादी के हिस्सा ना होगी, दैट्स फाइनल। अब आप हमारी पत्नी बने जा रहे बानी, हमारी इज्जत आपके इज्जत और हमारी बेइज्जती भी आपके बेइज्जती होके के चाहिए। तो बहुत किस्मत वाली बाड़ी जे तोहरा के सम्राट जी जैसन पति मिल रहल बा। जौना तरह तोहरा खातिर अपन घर वालन अपने माँ के खिलाफ खड़ा भइले, वही तरह तू भी हर परिस्थिति में उनकर साथ दिया। पर मैं हमरे रहते डरे के ख्याल भी मत लइहा अपना मन में। आज के बाद हमनी के जिंदगी पूरा तरह से बदल जाए, सदा खातिर हम आपके बन के अपना नया जीवन के शुरुआत करब। और हमके पूरा भरोसा बा हमनी के नया जीवन आपके प्यार विश्वास और खुशी से हमेशा भरल होगी। तुम्हार जिंदगी और तकदीर दोनों बदल जाए मैडम, कहे कि हम तो हर तकदीर लिख रहा बानी। मुक्ति गाड़ी से सामान लेके आवा। हेलो हेलो, एक मिनट। हाँ बोलो। क्या बोलो तड़वे? हट से हट से। जिंदगी में पहला बार शाबाशी देवे वाला काम कैले बड़ा, शाबाश। हरहल बानी आर बानी पहुंचब का है ना, 100% श्योर। तू रखा हम पहुंचा था नहीं। अरे मुक्ति, ओ मुक्ति भाई कहां पड़ा यार तू? तने एक आयरन करा दो और जो मिठाई के काम बा ओकरा हो जाए। और कौन काम हम भूलता नहीं, तरह बताइले रहनी ना। कौन काम रहना यार, कुछ तो भूलता नहीं हम। फटाफट प्रेस करा के ले आओ, फटाफट जल्दी जा जल्दी जा। आप चलिए हमरा साथ, हम आपके जन्नत के सैर पर ले चला था नहीं। कहां जाए के बा भाई, शादी बा तहर, याद बना तरह। शादी खातिर टाइम बा, अभी से थोड़े ना शादी खाते सर के बल खड़ा हो जाएं हम। हाँ वैसे एक वो बात बताई, आज के दिन तहार कौनो भी काम कौनो भी फालतू के काम हम बर्दाश्त न करे वाला बानी। शाम के बारात भाव शादी के बिल्कुल सीरियसली ले तू। हम सीरियस बानी दोस्त,
हम सीरियस बानी, माथा पर लिखवाई शादी खातिर सीरियस, शाम तक आ जाएगा। अरे भाई रसम बात तू सब ढूंढिया, अरे इंपॉर्टेंट रसम बा, ऐसे इंपॉर्टेंट रसम नहीं है लाइफ में, चला अरे 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 कहां जा रहा है, अरे कहां ले जाता रे यार, हमरा चला चला। हां मजा आ गया, हां डाल डाल, अब मजा आ यार, आ आ गए, बहुत मजा आए। अरे बहुत चल में बात रहा क्या इतने में ही, एक दो तीन चल बेटा जल्दी से, पहला समय बिल्कुल कम बा, ऐसा व्यवहार तो केहू बुच्चड़ ही कर सकेला का, यह बा इज्जतदार और पढ़ल लिखल लोग, अरे इनका बेतुका व्यवहार ना हल्ला मचा के रखले बाड़े ही जाहिल लो। माँ आप चाबी देना प्लीज। का भैल का? कुछो ना माँ, इस सम्राट जी के शराबी कबाबी दोस्त, आप पूछी मत। फिर कुछ भैल का भैया? अरे ना तू चिंता मत करा, हमनी बानी ना हमनी हैंडल कर ले। हाँ अगर ये मेहमान ना होता ना तब इनकरा के बताई थी। अरे ये सब तो हो खिला ही शादी में, जाए दी। माँ वह तो करा था नहीं ना, लेकिन नाटक तो देखा ही लोग के। अरे हमने उनकरा से बस इतना कह ले रहनी कि हमने के यहाँ शादी में ये सब ना चलेला, फिर भी तमाशा फैला के रख ले बाड़े लोग। अरे उनके यहाँ हो तो ही शादी में शराब पिए के कल्चर, लेकिन हमने के यहाँ ना बा। अरे छोड़ भी दी गुस्सा, बहन की शादी है, थोड़ा बर्दाश्त करे सीख। और तू इधर उधर का करल बड़ा, जा के बाहर की व्यवस्था देख, कोनो चीज की कोनो कमी ना होके चाहिए, बस। व्यवस्था में ही तो लागल बानी ना वो भुच्चड़ लोग के। आप चाबी दीना पेटी के, पैसा निकाले के बा, गला गीला करे के बा, वो भुक्कड़ लोग के ना तो मर जाइए। इला भैया आपके सब बाहर बुला रहल बाड़े, मंडप में लावा के रसम होके वाला बा, जा जल्दी से जा। हम ये तब आइसक्रीम खाए के बा, तू लोग खा, हम आइसक्रीम लेके आवता नहीं। भैया जी एक वो आइसक्रीम बनाई ना विद फालूदा। लगा था हॉट लोगन के कोल्ड चीज ज्यादा पसंद हो खेले। अरे ताक ठंडा भी करे के पड़ेला हमार दोस्त। का करल बनी आप? अजी हम कुछ नहीं की कर रहा, कसम से सब अपने आप हो रहा है। हमने लोहा शराब चुंबक इतना बड़ा हो के ऐसा घटिया बात कर रहा है बड़ा, आप लोगन की कौनो इज्जत बाकी ना? अरे मैग्नेट पावर के आगे का इज्जत साली जी, हमने कुछ नहीं की कर रहा, सब अपने आप हो रहा है। हिल जाए नहीं ऊपर से नीचे तक, क्या करी हमने के डोलरे, डोलरे। का तमाशा भाई, लड़की के छेड़त शर्म ना आवेला? यार तू तो ऐसे बात कर रहा है बड़ा जैसे तू हमनी के साथ ना लड़की वालों के साथ है बड़ा। देखो हम चाहे जिकरा तरफ से भी हुई, तू लोग के और फालतू पना हम बर्दाश्त ना करब, और तू लोग लड़का वालन की तरफ से बड़ा तो कुछ भी करवा। भाई बाराती बड़ा अपन लिमिट में रहिया, बहुत तमाशा कर लेला, अब बिल्कुल चुप, कुछ भी उल्टा सीधा कैला तो हम यहाँ दो मिनट में जितना भी चढ़ल बाना उतार देब तीनों के। अनु तू अंदर जा, अब अगर केहू कुछो भी कहलस ना कुछो भी तो सीधे आके हम के बताइया, तू अंदर जा। कैसन दोस्त बाड़े जीजू के, सबके सब बदमाश। का भइल? अरे दीदी सच में सब बेकार लोग बाड़े, ट्रेन कह के लड़कियन के छेड़ रहल बाड़े, यहाँ तक के हमसे भी बदतमीजी कैले। ईशान जी आयले अभी और सबके झाड़ ले, सबके सीधा कैले। जब से बारात आयल बाड़े ना तब से गंध मचैले बाड़े, सम्राट जीजू भी कुछ ना कहले। सम्राट जी के पता भाई सब? ऊ तो वहां ना रहले, लेकिन उनके ही दोस्त बाड़े ना, शादी हो जाए दी फिर बताई। उनसे तो बेटर ईशान बाड़े, कम से कम वो सबके डांट तो लगाई ले।
वैसे वो सब छोड़ा, आपके कोनो हेल्प चाहिए? मम्मी कहले बानी कि थोड़ा देर में आपके मंडप में बुलाई है। तू हमारे को हेल्प करबू प्लीज दीदी? उहे तो पूछनी हम आपसे, बाहर से ईशान जी के अंदर भेज देबू काहे? अनु प्लीज हमके उनसे जरूरी बात करे के बा। अरे थोड़ा देर में आपके अभी फेरा खातिर नीचे बुलाइए। अच्छा एक मिनट रुकी, 12 बजे वाला बा, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी फॉर योर लाइफ दीदी। बाद में पता ना फिर से टाइम मिले ना मिले, यही से सबसे पहले हम ही आपके विश करने वाला बनी। हैप्पी न्यू ईयर, विश यू द सेम। ईशान जी के भेज दो प्लीज, भेजत पानी। भगवान करे कि नया साल हम सबके जीवन में ढेर सारा खुशी लेके आवे। का तमाशा बा यार ये सब, ये तैसे रो रहल भी है जैसा शादी के सजा काटे जा रहल भी है। नाटक करे ना ये सब लोग। अरे पता बात जाए के बा, हंस के विदा करे ना बेटी के। और इतना बातें मत भेजा ना, यही रहता जरूरत का बा। कहे तू भी, तो हर वाटर सप्लाई भी चालू बा। तू कहाँ रोता था? तू ना समझ पाई बा सम्राट। हम के समझे के भी नहीं बा बॉस, हम खुश बानी। इतना लोड ना ले सकीला, तनी फोन दा। और भी रोना बा दुनिया में एकरा ला। सम्राट बेटा, हाँ? डोली के साथ धीरे धीरे चलिया। का? धीरे धीरे ये सब का बेवकूफ है पापा, हाँ? ऐसा अच्छा पैदल आ जाता नहीं, गाड़ी छोड़ो प्लीज बेटा। प्लीज प्लीज का हद होखेला कोने चीज के यार। स्वागत भाई घर के बहू के। और बॉस कार इंतजार की घड़ी खत्म हो गई ना? गुड, लेकिन ये मत सोचिया कि हम तोरे शादी में भी सब करा। अरे कुछ पावे के चाह से काम ना करेला ईशान। रास्ता बंद बा। देवर जी नेक निकाली तभी आपकी एंट्री मिली भीतर। एक आबा दुआ छिकाई की भी रसम होखेला बेटा। दुला के अपन भाभी और बहन की नेक देवे के होखेला। बिना नेक दिले ही द्वार ना छोड़ी है, अंदर ना आवे दिए तोहरा के। हाँ ही सही बा, शादी करा तो ये सोच के करा कि घर के बाहर और अंदर भी आपके लूटे के बा। शादी से पहले के सारा मेहनत के मुआवजा दूल्हा से नेक के रूप में। सही बा, जगह जगह दुकान, जगह जगह कमाई। जे भी ओके, अब ए बा सब बा। और वैसे भी देवर जी चांद ढूंढले बानी हम आपके खातिर। अब आप एकरा के नेक कहीं, चाहे मुआवजा कहीं, चाहे कमाई कहीं, इतना तो बनेला ही ना। और आपके देवे के भी पड़ी। बेटा दे दने, बिना नेक के यहां से हिले वाला नहीं खिलो। तो आप दे दी ना।
ये भी का याद रखिए, बना आपके पास पैसा दी। पैसा तो बा लेकिन ये तोहार हाथ से दिलवावे के बा। हाथ से का फर्क पड़ेला पापा, अपना होके पराया होके इनके तो पैसा से मतलब बा। काहे कौन सा हमारा हाथ से 100 के नोट 1000 के हो जाए और आपके यहाँ से 1000 के 100 के। बेटा ये रसम के बाद भी लेकिन जब ला बेटा ठीक बा। चली आई ठीक बा। ऑफिशियली वेलकम देवरानी जी। रुका रुका बहू, एकरा के अंदर की तरफ धकेल के गृह प्रवेश करा। चला अच्छा सम्राट के माँ, मुंह दिखाई के रसम अभी कर लेता नहीं ना। एक मिनट का बोलता नहीं आप हमसे कहीं? अरे मुंह दिखाई के रसम बेटा हो गए, सब दिखा देनी, सब रसम हो गए। अबे घर में कोनो रसम ना हो कि बस।